यह है अबशार आलम। कटिहार के कदवा प्रखंड की गेठौड़ा पंचायत का निवासी है। पढ़ने में शुरू से ही मेधावी छात्र था। आज उसकी मेहनत ने रंग दिखाया और पिछले दिनों इसने जो बीपीएससी की परीक्षा दी थी उसमें इसने पूरे बिहार में 17वां स्थान लाकर अपने परिवार के साथ साथ पंचायत और प्रखंड के लोगों का भी सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अबशार आलम स्वर्गीय हारून राशिद का पुत्र है। अपने बेटे की उपलब्धि को लेकर उसकी मां नईमा खातून ने हमारी कदवा संवाददाता राजीव को बताया कि अबशार शुरू से ही पढ़ने में तेज था और उसकी स्कूली शिक्षा दीक्षा गांव के ही स्कूल में हुई थी। अबशार आलम का रिजल्ट आते ही पूरे पंचायत में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में गाँव के लोग और जनप्रतिनिधि बधाई देने उनके घर पहुँचने लगे। नमस्कार, केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। एक छात्र हैं जो कदवा से हैं, उन्होंने पूरे कटिहार का नाम रोशन किया है। बीपीएससी का एग्जाम इन्होंने पास किया है और कल रात में इनकी रिजल्ट आई है। उसके बाद जो है पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है, लोग इनके घर पे पहुंचे हैं, बधाई दे रहे हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं, किस प्रकार की तैयारी किए थे उन्होंने और किस प्रकार से इस एग्जाम को निकाले हैं और किनको ये जो है इस एग्जाम का श्रेय देना चाहेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद यहाँ ये कहने के लिए। मेरा नाम मोहम्मद अबशार हुआ। जो कल रिजल्ट आया उसमें वित्त प्रशासनिक पदाधिकारी में मुझे 17वां रैंक प्राप्त हुआ है और उसके बाद से हम मतलब ये कह रहे हैं, यहाँ सभी खुशी का माहौल है यहाँ पे। कल रात में जब रिजल्ट आया कैसा माहौल था घर? बहुत, जब मालूम चला कि रिजल्ट रिलीज हो गया है तो सबसे पहले जो फ्रेंड थे दोस्त सब वहाँ पटना में, वो लोग पहले ही रिजल्ट देख के बहुत सारे कॉल आने लगे, तो पूरा यहाँ ये एक्साइटमेंट भी था और थोड़ा डर भी था कि क्या होगा करके। तो उसके बाद जब अपने से देखे तो बहुत खुशी हुई और यहाँ घर में पूरे सभी लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई पूरे। उसके बाद समाज में पता लगा तो किस प्रकार से तैयारी कर रहे थे। कई छात्र बीपीएससी की तैयारी करते हैं लेकिन असफलता हाथ लगती है, लेकिन आप ये पहली बार एग्जाम दिए थे कि ये दूसरी बार था? नहीं, ये इससे पहले दो बार दिए थे। हाँ, ये तीसरा अटेम्प्ट था मेरा। तीसरा अटेम्प्ट जी। ये सिविल सर्विसेज जो एग्जाम है इसमें वक्त लगता है, टाइम लगता है। सोचिएगा एक ही बार में हो जाएगा तो नहीं होता है। ये रेलवे या बैंकिंग नहीं है, इसलिए आपको पेशेंस के साथ प्रिपरेशन करना पड़ता है। किस प्रकार से तैयारी कर रहे थे, कितने घंटे की पढ़ाई करते थे दिन में? जी, जैसे कि इसमें तीन स्टेज होता है, तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो उसके लिए अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरह से प्रिपेयर करना पड़ता है। जो प्रीलिम्स होता है वो फैक्चुअल होता है, उसके बाद मेंस जो होता है उसमें राइटिंग स्किल आपका होना चाहिए, साथ ही जो इंटरव्यू है उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल। और जहाँ तक बात है पढ़ने का तो वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आप 5 से 6 या 7 घंटे डेली आपको पढ़ना चाहिए कम से कम, अगर बिजी भी डे है, और अगर ज़्यादा है तो आप उससे ज़्यादा 10 या उससे प्लस भी कर सकते हैं। कब से तैयारी में जुटे हुए थे? जब ये मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके बाद 2020 के लास्ट से, उसके बाद से तैयारी कर लक्ष्य यही रख लिया थी। हाँ, पहले से ही जब हम अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किए थे उसी वक्त से ये लक्ष्य था कि सिविल सर्विसेज में जाना है। एग्जाम पास किए, किनको श्रेय दीजिएगा? हाँ, एग्जाम में श्रेय सबसे बड़ा जो है हमारे पूरे परिवार वालों का है, भाइयों का, जो जिन्होंने कि पिताजी का कमी महसूस नहीं होने दिया, साथ ही जितना भी हमारे रिलेटिव हैं। आपके पिताजी मरहूम हो चुके? जी जी, उनकी गैर मौजूदगी में हमें कभी ये नहीं लगा कि पिताजी नहीं है, और जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो हमें समय पे मिल जाता था, जिससे कि हमें पढ़ाई में कभी भी कोई रुकावट नहीं आई। जी, आपके कई शिक्षक भी हमको फोन किए हैं, जैसे कि आपके कुमरी के शिक्षक हैं शेखर सर, उन्होंने भी आपको पढ़ाया है, तो उनका श्रेय कहाँ तक है? जी, उन लोगों का कि बहुत बड़ा श्रेय है, क्योंकि जो आप जानते हैं कोई भी स्टूडेंट का होता है जो 10th तक होता है वो बेस होता है, वो अगर आपका ख़राब हो गया तो आगे जाके दिक्कत होगा। तो बेस को बनाने में शेखर सर हो गए वहाँ, पुरुषोत्तम सर और लक्ष्मी सर, उसके साथ सुरेश सर, रजीबुल सर और भी जितने भी शिक्षक यहाँ के हैं सभी का बड़ा हाथ है, उन लोगों का बड़ा योगदान है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के लिए उनको क्या कुछ संदेश दीजिएगा? उनको यही संदेश देंगे कि लक्ष्य बड़ा रखें और कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहें। इसमें टाइम लगता है और पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि ये आपका बड़ा लक्ष्य है तो बड़ा पेशेंस भी चाहिए, और एक बार अगर नहीं हुआ तो फिर दोबारा करें, ऐसा नहीं कि एक बार नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पहली बार ट्राई करते हैं नहीं हो पाता है तो उसके बाद वो छोड़ देते हैं, उन लोगों को क्या करना? हाँ, बहुत सारे मेरे भी फ्रेंड थे जो कि पहली बार दिए नहीं हुआ तो फिर दूसरा कोई एग्जाम आया वो भी फॉर्म डाल दिए, तो इससे होता है कि आप डाइवर्ट हो गए, तो डाइवर्ट नहीं होना है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म का एग्जाम है, तो इसमें आपको एक लंबा समय लगेगा, आंसर राइटिंग स्किल बनाने में टाइम लगेगा, बोलने का कम्युनिकेशन स्किल, साथ ही
प्रीलिम्स का बहुत वाइड सिलेबस है, तो उसको कवर करने में वक्त लगता है, इसलिए आप पेशेंस के साथ अपना जो कंसिस्टेंटली आप मेहनत करते रहें तो जरूर आपको सफलता एक दिन मिलेगी। तो देखिए, ये हैं कदवा से एक ऐसे छात्र हैं जिनके पिता नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर बीपीएससी में अपना स्थान जो है वो सुनिश्चित कर लिया है। और ऐसे ही छात्र हैं जो हमारे कटिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे छात्र को हमारे केबीसी की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रकार से हमारे कटिहार का नाम रोशन करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए केबीसी न्यूज़, मैं राजीव रंजन। हम आपको बता दें कि अबसार आलम ने जो बीपीएससी की परीक्षा पास की है वह टीचर्स वाली परीक्षा नहीं है बल्कि सिविल सर्विसेज वाली परीक्षा है। इस परीक्षा को पास करने के बाद अब अबसार आलम बिहार सरकार बीडीओ या सीओ या इसके समकक्ष कोई पदाधिकारी बनेगा। आ गई सर्दी, हो जाइए सावधान, अब जाड़े में काम आने वाले सामानों की करे संभल कर खरीदारी। सती सिक्योरिटी ले आया है बेहतरीन क्वालिटी के सामान, वह भी भारी डिस्काउंट और ज्यादा वारंटी के साथ। चाहे इलेक्ट्रिक कैटल हो या फिर इमर्शन रड, चाहे कार्बन हीटर हो, ब्लोअर हो या फिर ओएफआर, 3 लीटर से लेकर 25 लीटर तक हर साइज में गीजर भी भारी डिस्काउंट पर, हॉट एंड कोल्ड बॉटल, मल्टीपर्पज कैटल के साथ इंस्टेंट गीजर भी उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, आइए और अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान लीजिए, वो भी भारी डिस्काउंट और ज्यादा वारंटी के साथ। सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452424573।